हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट नाम है चैप्टर का। सॉरी यार, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। बच्चों देखो, अब बारी आती है जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करने से पहले ना थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉजिक है उसके पीछे, बहुत बड़ा रीजन है। अंटिल अनलेस आपको बेस एंड बैकग्राउंड नहीं समझ में आएगा ना, आप चैप्टर समझने के लिए हमेशा इनकैपेबल रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड से कि बैकग्राउंड क्या है इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारे क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर को ना थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, क्योंकि हम ये फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। करेक्ट है। अब अगर फिजिक्स में हम बात करें तो फिजिक्स का एक पार्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, व्हाटएवर जो भी आप बोलना चाहो। अब इसको डिफाइन करते हैं। चलो, फिजिक्स और इसके कितने पार्ट हो गए हमारे पास? एक पार्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारे पास ना दो पार्ट है। कितने पार्ट है? दो पार्ट है। बहुत ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है, अब दो पार्ट है तो ये किस वे में है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देयर इज टू वेज। एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या है दूसरा पार्ट? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब यार देखो, नाम जैसा मैंने बहुत बार बोला है आप लोगों को बच्चों कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद क्यों है पता है, क्योंकि जैसा नाम वैसा काम। कोई सीन नहीं है, कुछ आपको सोचना ही नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो हमें पता है स्टैटिक, करेक्ट है ना? अगर स्टैटिक के बारे में बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी यार, करेक्ट है। और अगर डायनेमिक के बारे में बात करें तो हम किसके बारे में बात करें? मूवमेंट के बारे में बात करें। तो चार्ज हमारा क्या करेगा? मूव करेगा। इज दैट क्लियर? तो चलो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि ये डिफाइन कैसे करेंगे हम। तो देखो, दैट इज व्हाट ब्रांच ऑफ साइंस। आज यहाँ पे गणपति विसर्जन है, थोड़ी नॉइज ज्यादा होगी, बट मेरी वॉइस में इतनी रेज करने की कोशिश करूंगा कि आप तक प्रॉपर पहुंचे। ठीक है, सो बस वीडियो पे फोकस करना, मेरी वॉइस पे फोकस करना, बाहर की नॉइज पे नहीं। सो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद the study of which deals with the study of charged particle which deals with the study of charged particles at rest at rest। अब यार यहां पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और किसके बारे में बात हो रही है? चार्ज पार्टिकल हमारा किस पोजीशन में है? रेस्ट की पोजीशन में है। बच्चों देखो, ये चीज ना काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज हमारे समझने के लिए है। ये चीज जो है वो हमारे समझने के लिए है कि जो चार्ज पार्टिकल है हमारा वो किस पोजीशन में है? रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो किस पोजीशन में है? रेस्ट की पोजीशन में। मतलब यहां पे हम जो भी टर्म स्टडी करने वाले हैं उसके हमारा जो चार्ज है वो क्या होगा? मूव नहीं होगा। करेक्ट है, आप समझ लो, इसमें हमारा चार्ज क्या होगा? मूव नहीं होगा। चलो सेकेंड फेज देखते हैं।
दैट इज व्हाट मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, करेक्ट है? थोड़े से डेफिनेशन में चेंजेस कर लेंगे सारा काम हो जाएगा, है ना? आलसी लोगों की यही निशानी होती है, इलेक्ट्रो डायनामिक्स। चलो स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो ब्रांच ऑफ द साइंस, हाँ यार थोड़े से चेंजेस कर लो ना सब हो जाएगा। ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मोशन, या चार्ज पार्टिकल इन मोशन, है ना? बोला था ना आलसी लोगों की निशानी, क्या बोलो यार, मैं ऐसे ही हूं कुछ नहीं कर सकता। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ क्या होगा कि ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन। अब यहां पे जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल होगा वो किसमें होगा, motion. वो मोशन में होगा, इसको भी बोल दो, वो मोशन में होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये मोशन में है, तो ये हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो टेक्निकली देखो तो हमारे पास दो हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज हमारा क्या था, स्टेबल था, एक जगह पर रुका हुआ था और उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या था, चार्ज हमारा मोशन में था या मूव कर रहा था और हम उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है? चलो अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। अब बात करते हैं यार इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है? चलो देख लेते हैं क्या होती है। तो यार इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने का जो सबसे अच्छा पैरामीटर है वो हम क्या डिफाइन करेंगे, पहली बात तो ये समझो कि ये है क्या। तो ये एक तरह की एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है। अब ये एनर्जी जनरेट होती है तो किसी न किसी चीज की वजह से जनरेट होती होगी, बराबर है? जैसे हम थर्मल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, करेक्ट है? करेक्ट है ना? जैसे साउंड एनर्जी, अगर घंटी के बारे में बात करें, बेल, साउंड एनर्जी कैसे जनरेट होती है, तो वहां हीट देने से थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, यहां पीट देंगे तो साउंड एनर्जी जनरेट होगी, है ना? हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाजू वाले को पीट के बता दो धम करके, सर देखो इसके पीट पे हमने पीट दिया और साउंड एनर्जी जनरेट होगी, है ना? दो साउंड निकलेगी, तो उसके पीट की आवाज निकलेगी, दूसरे उसके मुंह की आवाज निकलेगी। चल एक मिनट, सॉरी मैं इलेक्ट्रिसिटी का लिख दिया, नहीं इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेफिनेशन यहां पे से जल्दी चलेंगे, ठीक है? एनर्जी ड्यू टू, ध्यान से देखो, एनर्जी ड्यू टू व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज, यस वेरी गुड बिंदु, फ्लो ऑफ चार्ज, एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड बच्चा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सिटी, ठीक है? अब यार वो एनर्जी ना जो चार्ज के फ्लो, ध्यान से सुनो, वो एनर्जी जो चार्ज के फ्लो की वजह से जनरेट हो रही है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से जनरेट हो रही है, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। अब मेरा बच्चा एक बात बताओ, अगर फ्लो ऑफ चार्ज का केस है, अगर फ्लो ऑफ चार्ज का केस है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है या इलेक्ट्रोडायनेमिक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक, यस करेक्ट है बच्चों? ऑफ कोर्स यार फ्लो ऑफ चार्ज, अगर फ्लो है तो मतलब क्या है, चार्ज मेरा रेस्ट में है, मोशन में है, मोशन में है, और अगर चार्ज मेरा मोशन में है तो मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ूंगा या इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर पढ़ूंगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर पढ़ूंगा, है ना? मतलब ये तो यार हाँ ठीक है, तीन साल का बच्चा ही बता देता, इनफैक्ट दो साल का बच्चा बता देता, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यार अभी तक हम ये चार 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 कंटिन्यूअसली चार चार्ज की बात कर रहे हैं, है ना? मतलब चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक है, फ्लो ऑफ चार्ज है, एनर्जी है तो इलेक्ट्रिसिटी है। अब बारी आती है भाई साहब चार्ज क्या होता है ये कौन बताएगा, है ना? जरूरी तो ये भी है, चलो ये भी बता देते हैं, देखते हैं क्या होता है चार्ज। So let's discuss about charge.
चार्ज के बारे में बच्चों जब कभी भी बात करेंगे ना, तो बहुत सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करो। चार्ज के बारे में ना बहुत सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करो। फिजिक्स में है ना, करेक्ट है, पर जब हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे ना, थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। अभी थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। तो यार देखो, दुनिया में हमने ये पता है, क्लास नाइन्थ अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी तो फिलहाल टेंथ अपलोड हो रहा है, इसके बाद नाइन्थ अपलोड होगा। बोले सर आप उल्टा चल रहे हो, लोग ए बी पढ़ाते, आप बी ए पढ़ाओगे, है ना, नहीं चलेगा। बट दैट इज ओके। सो चार्ज के केस में जब कभी भी हम बात करेंगे तो यार देखो, एक बेसिक थ्योरी पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम सबने पढ़ा हुआ है। देखो दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी हैं, वो क्या है, वो न्यूट्रल कंडीशन में है, करेक्ट है। क्यों न्यूट्रल कंडीशन में है, हमने पढ़ा है कि बीच में हमारे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, याद है। इसमें कौन कौन था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थे, और आउटर में कौन था, इलेक्ट्रॉन्स थे, करेक्ट है। प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, करेक्ट है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल, एक बार चेक करो, यहाँ पे विजिबिलिटी है, ठीक है। So, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव भी है। तो यार अगर ये दोनों इक्वल हैं, बस ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दुनिया में जो भी आइटम है या जो भी आपका जो भी चीजें हैं या जो भी एलिमेंट्स है, व्हाटएवर जो भी आप बोलना चाहो, वो सारी की सारी न्यूट्रल है। अरे भाई, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया ना, क्लियर। तो अब बात करते हैं, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस, वेरी गुड। ये बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जितने प्रोटॉन है उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। चलो अब यहां से हम चार्ज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टी, अब ये क्या है, चार्ज है तो एक तरह की प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी मतलब हुआ ना, नहीं भाई साहब, चार्ज के प्रॉपर्टी बहुत बोली, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी ना बोलते। सो प्रॉपर्टी विच अराइजेस ड्यू टू ईदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यार मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा है, आप पूरा लिखोगे, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यार देखो बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो वो चार्ज बन जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा डीप डाउन चलते हैं तो समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो भी वो चार्ज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। वरना नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, करेक्ट है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या है, न्यूट्रल है। हम क्या करें, कुछ ऐसा करें उसके साथ कि क्या हो जाए, या तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इज दैट क्लियर, चल अब देखते हैं इसको। अच्छा अब एक चीज और देखो यार, हमने यार ये एक, अच्छा मैंने मिटा दिया क्या, सॉरी, यहां पे हमारे पास प्रोटॉन था, यहां पे न्यूट्रॉन था, यहां पे हमारे पास कौन था, इलेक्ट्रॉन। अच्छा यार एक बात बताओ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, पहले तो कहानी को ध्यान से सुनो, समझो और फिर आंसर। तुम सारे के सारे स्टूडेंट्स हो, है ना, और लड़ाइयां तो आपस में होती ही है। अभी बात बताओ, अगर सपोज करो कि तुम दो दोस्त हो, तुम्हारी लड़ाई होगी किसी तीसरे से, आपस में नहीं, पता चला आपस में फिट शुरू करो तीसरे से। अब एक दोस्त जो है ना, वो घर के अंदर जाके बैठ गया अपने घर,
और तुम जो है ना, तुम एकदम वैसा राउडी राठौर, वो कौन था, मारी मूवी देखी है, वैसा वैसा तुम बाहर घूम रहे हो। अभी बात करो पिटने के चांसेस किसके ज्यादा है, जो घर के अंदर बैठा है या जो बाहर घूम रहा है? घर के अंदर बैठा, बाहर घूम रहा है। जो बाहर घूम रहा है उसके पिटने के चांसेस ज्यादा है। हमारे क्लासेस में कुछ उल्टे लोग हैं, उनको लगता है घर के अंदर ज्यादा इनसिक्योर है। पता है क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें तोड़ देते हैं घर के अंदर, वो घर के बाहर ज्यादा सेफ फील करते हैं। सो क्या है, जो घर के अंदर बैठा है यार, उसको मॉम डैड भाई है ना, और मे बी किसी ने कुत्ता तक पाला होगा, तो सबका प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बट जो घर के बाहर घूम रहा है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं भाई, उसको आराम से तोड़ा जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो जनरली हर केस में क्या होगा कि हम इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। करेक्ट है, क्योंकि ये कहां घूम रहा है, ये बाहर घूम रहा है यार, इसको हाथ लगाना बहुत आसान है। ये बाहर घूम रहा है, इसे हाथ लगाना बहुत आसान है, इसे कोई भी कंटा मार सकता है, इसको नहीं कर सकता। बट अगेन देखो, अब हम केमिस्ट्री में चल रहे हैं, तो मैंने याद है लास्ट टाइम एसिड बेस एंड सॉल्ट की वीडियो में एक लाइन बोली थी कि जब कभी भी हम केमिस्ट्री में बात करेंगे हम विद्या कसम नहीं खाएंगे, है ना, नहीं तो सागर की बहस बढ़ जाएगी। सो अब यहां पे जो केस है वो ये समझो कि यहां पे जो है जनरली इलेक्ट्रॉन ही जाएगा और इलेक्ट्रॉन ही आएगा, और इसी की वजह से एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में यहां पे भी पॉसिबल है, बट जनरली तो हम क्या करेंगे ना, हम अपनी जान बचाने के लिए ये टर्म लगा देंगे। क्या टर्म लगा देंगे? जनरली मेंशन करेंगे। क्या करेंगे? जनरली मेंशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि जनरली जो है वो इलेक्ट्रॉन ही आएगा और इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। क्या लिखोगे? जनरली, जनरली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू और आउटसाइड द एटम, ठीक है, क्लियर है? जनरली इलेक्ट्रॉन मूव इनटू और आउटसाइड द एटम, दैट्स इट। मतलब हम किसको हाथ नहीं लगा रहे, हम प्रोटॉन को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रोटॉन के साथ भी हम चार्जेस कर सकते हैं लेफ्ट राइट, बट जनरल केसेस में हम प्रोटॉन को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो घर के अंदर है, उसको ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिली है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, थोड़ा सा और डीप डाउन जाते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये ना बेसिक है, अगर ये क्लियर हो गया ना तो बाकी सारा अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। तो आपको पहले बेसिक्स पे फोकस करना है, ठीक है। बेसिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक्स का आपका फोकस जितना ज्यादा होगा आप उतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ पढ़ पाओगे और चीजों को समझ पाओगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो बारी आती है कि अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं। क्या बोला मैंने? चार्ज कितने टाइप के होते हैं? यार देखो दो टाइप के चार्ज होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? पॉजिटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब बारी आती है यार कि ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आया, पहली बात तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि सारा गेम किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो बाहर घूम रहा है, उसके थप्पड़ मारना आसान है, वो अंदर बाहर तेजी से कर सकता है, करेक्ट है। तो यार अब यहां पे अगर कोई चीज पॉजिटिव है, कोई ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ भर गया, तो इसके पास ज्यादा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? सिंपल सी बात है ना, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, करेक्ट है। तो मतलब इसने क्या छोड़ दिया अपने, इलेक्ट्रॉन इसने अपने रिलीज कर दिए, करेक्ट है ना, और इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, वेरी गुड, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन अपने क्या किए, रिलीज कर दिए, और इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे होगा बेटा, तो चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन, चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, करेक्ट है, चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन।
और अगर हम नेगेटिव चार्ज पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो अगली लाइन क्या हो जाएगी, चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, करेक्ट है, करेक्ट है ना बच्चों, चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, दैट्स इट, क्लियर है, यस सर। चलो अब यार ये देखो, ये तो समझ में आ गया कि मतलब सपोज करो कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है, मैं बताता हूं आपको, अगर आपने पढ़ा हो, ये आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कि चार्ज कैसे काम करता है। तो देखो एक्चुअली नहीं, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमने जो सबसे पहला चार्ज देखा ना, वो चार्ज बाय रबिंग देखा, क्या देखा, चार्ज बाय रबिंग, तो दैट इज व्हाट, चार्ज बाय रबिंग, या इसको हम एक और चार्ज बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, फ्रिक्शनल चार्ज, ठीक है, अफकोर्स फ्रिक्शन की वजह से ही आ रहा है ना, अगर दो चीजों को रब कर रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, करेक्ट है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम किन्हीं दो सब्सटेंसेस को या दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, और फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर कोई चार्ज आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज बाय रबिंग या फ्रिक्शनल चार्ज बोलेंगे। अब अगेन केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो हम जैसे ही रब करते हैं तो एक तरह की एनर्जी जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं, और हीट एनर्जी की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की तरफ जंप कर जाते हैं। जैसे कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कुछ इस तरीके से हुआ था कि एक सिल्क का क्लॉथ था, क्या था, सिल्क का क्लॉथ था, और एक रॉड थी, कौन सी रॉड थी, वो ग्लास रॉड थी, कौन सी रॉड थी, ग्लास रॉड थी, और यहाँ पे कौन सा क्लॉथ था, सिल्क का क्लॉथ था यार बच्चों, दोनों को रब किया गया, ठीक है, अब दोनों को रब किया गया तो दोनों को रब करने के बाद देखा गया ना कि इनके ऊपर एक चार्ज आया, इनके ऊपर एक चार्ज आया, ठीक है, और जो चार्ज हमारे ग्लास रॉड के ऊपर, देखो अच्छा उस टाइम पे ना चार्ज डिफाइन नहीं था कि कौन सा चार्ज आया है, क्या आया है, कैसा आया, इसलिए हमने उसको इग्नोर किया था, बहुत बाद में पता चला, तो यहाँ पे जो चार्ज आया ना, बस चार्ज आया ये उस टाइम पे पता चला था, बट यहां पे जो चार्ज आया ना, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आया, कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब यार बच्चों देखो ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूं, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो मतलब इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है या रिलीज किया है, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज किया, रिलीज कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और अगर बच्चों इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, क्योंकि ये भी तो न्यूट्रल ही था ना पहले, नेगेटिव, यस, इसके ऊपर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बच्चों इस चीज को ध्यान से समझो, तो मतलब अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो एक चार्ज इसके ऊपर आया तो दूसरे टाइप का चार्ज जो है अपोजिट चार्ज इसके ऊपर आ गया और इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां जंप कर गया, तो एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। अच्छा इसी चीज को ना हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले बोल दिया था भाई एनर्जी के बारे में, है क्या बोला था उन्होंने, याद है, देयर इज अ मंत्र इन श्रीमद् भगवद गीता, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् त्यापो न शोषयति मारुतः, मतलब आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है ना, बस एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर की तरफ निकल लेती है, जैसे अभी गर्मी आप हो, मेरी भी आत्मा शरीर का साथ छोड़ना चाहती है, बट आपको पढ़ाना है, प्रेम है आपसे इसलिए पढ़ा रहे कंटिन्यू, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो इस फेज को समझने की कोशिश करो, वो कंजर्वेशन ऑफ सोल था, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, ऐसे हमने याद है केमिस्ट्री में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है,
फिर हमने और पहले पढ़ा था दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये सारी चीजें कंजर्वेशन फॉर्म में चलती है यार, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू एंड अनदर फॉर्म, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पे ये हुआ, ठीक है। अब ये तो यार हुआ ग्लास रॉड और सिल्क के साथ, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि एबोनाइट की रॉड के साथ था। एबोनाइट मतलब प्लास्टिक। चलो अब यहां पे हमने क्या लिया, क्या लिया, प्लास्टिक, प्लास्टिक की रॉड ली, और इसको जो है ना बेटा इसको रगड़ दिया हमने वूल से। किससे? ऊन, ऊन, ऊन स्वेटर यार मम्मी बनाती है ना सबके लिए प्यार से। अब यहां पे क्या हुआ बच्चों, यहां पे जो है इतना जो चार्ज आया वो निगेटिव था। अब अगर यहां पे निगेटिव चार्ज आया तो मतलब बट ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप हुए होंगे, करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप हुए होंगे। तो ये क्या हो गया, अगर इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो ये क्या हो गया बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इजेक्ट क्लियर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, ये ग्लास सेल प्लास्टिक बोल, यहां पे देखो हर जगह पे आपका क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और एक नेगेटिव चार्ज हो रहा है। और हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या है कि इन दोनों केसेस में आपका जो है चार्ज कहीं पे भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थियरी को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है। अब ये हो गया यार, चार्ज भी हमने डिफाइन कर लिया। अब चलो यार कुछ और आगे डीप डाउन बात करते हैं, जैसे कि अब इस चार्ज की, अगर चार्ज है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, कुछ फंडामेंटल रूल्स होंगे, है ना, क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास बेसिकली कौन से रूल्स होते हैं, दैट इज फंडामेंटल रूल्स होते हैं, करेक्ट है, करेक्ट है ना बच्चों। चलो देखते हैं, सो हम बात करेंगे फंडामेंटल रूल ऑफ चार्ज की, इसकी बात करेंगे, बात करते हैं फंडामेंटल, एक्चुअली रूल ही बोलेंगे, दैट इज फंडामेंटल लॉ बोल दो, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल लॉ बोल देंगे। फंडामेंटल लॉ क्या होता है यार, ऐसा लॉ ना जो कि एट एनी कंडीशन एट एनी कॉस्ट अप्लाई होगा ही होगा, हम उसको किसी भी वे में जाकर के डिफाइन नहीं कर सकते, हमें सिर्फ उसके बारे में पता होता है, करेक्ट है, वेरी गुड। चलो पहला लॉ क्या बोलता है याद रखो, पहला लॉ बोलता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या बोलता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है और किसी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे। बच्चों मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया कि वापस इस लेक्चर में भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा लेट होगा, रीजन इज बीइंग कि अभी मैं फिलहाल ट्राई कर रहा हूं कि आपका सिलेबस इस मंथ में तो नहीं पॉसिबल है, बट नेक्स्ट मंथ तक मैं आपका साइंस एंड मैथ का सिलेबस 10th का पूरा अपलोड कर दूं, उसके बाद हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम बचेगा, तो हम जो है उस टाइम पे आपको एक्सपेरिमेंटल करके दिखाएंगे सारा का सारा, और कोशिश करेंगे कि इन सारी वीडियोस को उसके साथ लिंक कर दें ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, ठीक है। चलिए सो ये आपके अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। सेकंड क्या था हमारा, दैट इज, अब ये देखो ये अपोजिट चार्ज के साथ था, सेकंड जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। अगर यार देखो यहां पे भी पॉजिटिव है और यहां पे भी पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या यहां पे निगेटिव है और यहां पे भी निगेटिव है तो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, आसान है, सेम टाइप के चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, दैट इज हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो क्या था, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की तरफ, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, या एक नहीं सब्जेक्ट नहीं यार
एक सब्सटेंस है दूसरे सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। दैट इज व्हाट, ये हो गया हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। चलिए यहां तक समझ गया, ये यहां तक जो है ना बच्चों, ये आपका कंप्लीट कोर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। यहां तक क्या था आपका कंप्लीट एंड कोर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए अब बारी आती है थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाने के लिए, बट अब एडवांस वर्जन में जाने से पहले यहां पे इस लेक्चर को थोड़ा पॉज करते हैं। आप एक बार इस लेक्चर को प्रॉपरली रिवाइज कर लो और उसके बाद जो है ना फिर हम अभी वेरी सून नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम बात करेंगे आपके टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। राधे राधे बच्चों।